आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही सिद्ध प्रमाणित और प्रायोगिक उपाय में, जहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ के लिए आपको गारंटेड बताता हूँ ताकि आपके जो काम है किसी भी तरह से 1% भी ना रुके। ख़ास तौर से आपके जीवन में जो प्यार है, जो लव लाइफ है, जो रिलेशन है, उसमें 1% भी कहीं भी कमी ना हो। 100% अर्थात पूर्ण सत्य में आपको उसका सुख मिले, आनंद मिले। प्यार का, रिलेशन का, जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य अंग है, उसका 100% में आप उपभोग करें और आनंद प्राप्त करें। तो चलिए, कुछ गलतियां होती हैं इंसान से, उन गलतियों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्रेकअप, डिप्रेशन, रिलेशनशिप में प्यार, प्रेमी प्रेमिका का दूर हो जाना, या फिर किसी का तो प्यार ही नहीं मिलना। कोई लोग तो इतना तरस जाते हैं कि उससे कोई प्यार करने वाला हो। तो इन सब चीज़ों के समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में और वह आपको छोड़कर चले गया या चली गई है, तो याद रखिएगा किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से गलती उस व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है। मूल रूप से जो है गलती जो है स्वयं से ही सिद्ध होता है, और इसे मानना भी बहुत कठिन है कि मेरी गलती है। अगर ऐसा किसी का सोच भी आ जाए तो भी उसके जीवन में बहुत हद तक समस्या दूर हो जाएगी, ख़ास तौर से रिलेशन में। अब गलती कैसे, आपकी बताता हूँ। देखिए, जब दो लोग आपस में प्यार में रहते हैं, शुरुआती स्टेज में होते हैं, प्यार में आते, रिलेशन में आते हैं, तो आप इसे यूँ समझिए, जब किसी के पास प्यार ना हो, आप मिलते हैं, अजनबी हैं, फिर आप दोनों के बीच में प्यार होता है, तो आपको कोई उम्मीद नहीं होता है उस टाइम, ना ही किसी भी प्रकार से आशा, ना ही किसी भी प्रकार से कोई वासना होता है। लेकिन जब कुछ समय बाद आता है, रिलेशन आगे बढ़ता है, तब आपकी उम्मीदें बढ़ना शुरू हो जाती, एक दूसरे के ऊपर पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा शत्रु जागृत होता है मन के अंदर बैठा है, मैं, अहंकार, कि मैं कहूँगा तो ऐसा करो, मैंने नहीं बोला तो क्यों किया, मैं चाहूँगा वैसा करो, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। ये सब चीज़ों से अगर मूल रूप को देखा जाए तो सिर्फ मैं की भावना आती, मैं का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं ठहरता ही नहीं है। नहीं तो आप उदाहरण को प्रमाणित करके भी देख सकते हैं, मेरे एक एक शब्द प्रमाणित रहता है और गारंटेड रहता है पुख्ता सबूत के साथ। यहाँ सिकंदर से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर कितने भी बड़े से बड़े महान सूरवीर हुए, लेकिन किसी का मैं नहीं टिका। अंत में हारना ही पड़ेगा, सत्य के सामने झुकना ही पड़ेगा, शिव के सामने हारना ही है। तो मैं नहीं, आपका कर्ता कोई और है, शिवत्व है। तो उस चीज़ को पहले समझिए, जब आपके अंदर यह भाव आ जाएगा कि मैं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, फिर आपके अंदर जो चीज़ है उसके प्रति एक आँख खोलेगा कि जो चीज़ मेरे पास है वो बहुत सौभाग्यशाली है। आप इसको यूँ समझिए, जब किसी व्यक्ति के पास बाइक है तो उससे बड़े सौभाग्य से रखता है, यह सोचता है कि मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन जब उसके पास उससे बड़ा बाइक आ जाता है, कार आ जाता है, तो उसके कद्र करना कम कर देता है। तो दरअसल चीज़ें ऐसा है, मन का फितरत है भागते रहना, तो मन में ना उलझे, मन से परे जाए तो हर चीज़ का आनंद देंगे। अंत में आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ छोड़कर ही जाना है। शरीर भी कुछ समय के लिए मिला है, और आपको जो समय भी मिला है, आपका कुछ समय के लिए समय दिया है, एक समय में आप अच्छे चीज़ों को भोग लो, कर लो, प्यार, पैसा, घर परिवार, क्योंकि यह सब चीज़ जो है आपसे छीना जाएगा। यहाँ तक कि गारंटेड और पुख्ता बता रहा हूँ, आपके सांस भी आपकी नहीं, मर्जी से भी नहीं चल रहे, वह खुद ऑटोमेटिक मोड में है। तो पहले सत्य को जानिए, परम सत्य को जानने के बाद हर चीज़ जीवन में स्थायी रूप से मिलेगा।